अभी हमें ब्रेकफास्ट तो सर्व कर दिया गया है। अरे क्या हुआ, ट्रेन इतना हिल क्यों हो रहा है? ये दिखाओ, ये दिखाओ। भाई साहब गुड मॉर्निंग एवरीवन और स्वागत है आप सबका मेरे एक और नए व्लॉग में। और आज का व्लॉग का शुरुआत में कर रहा हूँ लखनऊ स्टेशन से। एक्चुअली जो जितने भी रेलवे के एम्प्लॉई होते हैं ना, उनका जो रेस्ट रूम होता है वहीं पे मैं आज स्टे कर रहा हूँ। एक जान पहचान के आए, उन्होंने ये रूम हमें दिला दिया। रूम ठीक ठाक सा था, देख लो। बस हमारा रात भर का स्टे था, रात में हम लोग आए भी थे काफी लेट। यही रूम था कुछ, देख लो। एकदम ये स्टेशन में ही है, निकलते ही हमारी ट्रेन भी लगी होगी स्टेशन पे। ट्रेन से याद आया, वैसे आज हमारा जर्नी हो रहा है लखनऊ से न्यू दिल्ली तक का। और आज हम जर्नी कर रहे हैं 82501 लखनऊ न्यू दिल्ली तेजस एक्सप्रेस में। और ये जो जर्नी है ना, आज से मैंने लगभग 3 साल पहले किया था, तब मम्मी के साथ मैंने जर्नी किया था। बहुत ही स्पेशल जर्नी था। वापस से ये जर्नी करते हैं, देखते हैं अभी इसका सर्विस कैसा है, सब कुछ कैसा है। क्योंकि एक टाइम में जब वंदे भारत सब नहीं आ रहा था, तब ये तेजस एक्सप्रेस बैक टू बैक आ रहा था, अचानक से आना बंद हो गया, पता नहीं क्यों। ट्रेन तो भाई नो डाउट बहुत अच्छा है, स्पेशली मेरा अभी तक का फेवरेट रूट है अहमदाबाद टू मुंबई, ये वाला रूट मेरा फेवरेट है। और भाई सर्विस तो एक नंबर। अभी देखते हैं इस वाले रूट में कैसा सर्विस है। वैसे मैंने अपना जो बुकिंग है वो एग्जीक्यूटिव क्लास में किया हुआ है, तो एक काम करते हैं बाकी का बात स्टेशन पहुंच के करते हैं। तो देख लो जी, ये गेट खोला मैंने, ये रहा स्टेशन, ये रही खड़ी अपनी तेजस एक्सप्रेस। आपको दिखेगा नहीं अभी वाइड एंगल में, और हमारा रात का स्टे यहीं पे था। कितना सामने रुके हैं देख लो, टाइम अभी हुआ है 5:47, ट्रेन का डिपार्चर टाइम है 6:10 का। वैसे देख लो अभी क्या बढ़िया सुबह का सनराइज हुआ है, और ये अपने स्टेशन में आ गए हम लोग। और जैसे हमारे हावड़ा स्टेशन में है ना, एकदम आप स्टेशन तक आ सकते हो अपना कार लेके, ऐसा सेम सिस्टम बैठा रखा है लखनऊ में भी। देख लो वहाँ पे पार्किंग है, आराम से आप आ जाओ। और एक बात तो है, सुबह सुबह जर्नी में मजा तो आता है, लेकिन हाँ अगर आप प्रॉपर फ्रेश हो गए हो तब मजा आता है। एक टाइम था बैक टू बैक तेजस एक्सप्रेस लॉन्च किया जा रहा था, तो देख लो जी इतने दिनों बाद तेजस एक्सप्रेस लखनऊ न्यू दिल्ली 82501। जो भी बोलो, काफी एक्साइटेड हूँ मैं आज जर्नी करने के लिए इस ट्रेन में। और अभी भी मुझे दिख तो रहा है, वेलकम के लिए बाहर खड़े रहते हैं तेजस में, इसमें भी काफी लोग खड़े हुए दिख रहे हैं मुझे। ओ भाई साहब, सर्विस तो अभी तक वेल मेंटेन्ड लग रहा है। यही अपना सीट है, देख लो। चलो जी, अपनी सीट पे तो बैठ गया हूँ मैं, और देखकर तो अभी तक अंदर सब कुछ वेल मेंटेन लग रहा है। टीवी स्क्रीन वगैरह काम कर रहा है, चार्जिंग सॉकेट वगैरह अच्छा लग रहा है, अंदर सीट का लाइक सीट भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। ओहो हो, काम तो कर रहा है अभी भी, बस अब बीच वाला दवा था। बढ़िया बढ़िया, मिले थे। अरे हाँ, अभी जो विंडो ब्लाइंड्स वगैरह होता है ना, वो सब कुछ तो बढ़िया काम कर रहा है। लाइट वगैरह ठीक है ना? हाँ लाइट ठीक है, ठीक है यार, ट्रेन को वेल मेंटेन्ड रखा होगा। देखो कुछ ऐसा है, देख लो भाई कुछ ऐसा कंफर्ट है, इसमें आपको लेग रेस्ट भी मिलता है। ये देखो सबसे मेन बात, इतने दिनों बाद भी सब कुछ काम कर रहा है। वैसे इस ट्रेन का यहाँ से निकलने का टाइम है 6:10 का, और ट्रेन अभी स्टेशन से निकला भी नहीं है। सबसे पहले पानी सर्व होना स्टार्ट हो गया, देख लो 6:10 का टाइम है। थैंक यू भैया। और एक चीज देख लो, कितने दिनों बाद ये ऑरेंज कलर का रेल लेयर, ये एक जमाने में तेजस में ही मिलता था। एक बात तो है यार, सर्विस देख के लग रहा है अभी भी एकदम टॉप नॉच, अच्छा लग रहा है सर्विस देख के। ट्रेन अभी निकला भी नहीं है, अखबार तो था ही पहले से ही, और ये पानी का बोतल भी सर्व किया जा चुका है, बस देखते हैं टाइम पे निकलता है कि नहीं। वैसे अभी टाइम देख लो एग्जैक्ट 6:10 में ही हमारा ट्रेन निकला है लखनऊ स्टेशन से। वैसे ही हमारा टोटल जो जर्नी है 512 किलोमीटर का है लखनऊ से न्यू दिल्ली तक का, जो कि हम लोग बस 2 हॉल्ट में पूरा करेंगे। सबसे पहला स्टॉप होगा लखनऊ से निकलने के बाद, वो सुबह के 7:20 में कानपुर सेंट्रल, फिर 11:45 में गाजियाबाद जंक्शन, उसके बाद 12:25 में न्यू दिल्ली। परफेक्ट ट्रेन है, परफेक्ट। लगभग 6:15 में हम लोग कवर करेंगे 512 किलोमीटर, वो भी 2 हॉल्ट के साथ। चलो जी, लखनऊ से अपना ट्रेन निकल चुका है, अभी देखते हैं क्या क्या सर्विस रहता है, जो भी रहेगा आपको दिखाएंगे। ये देख लो ट्रेन निकलते ही मिल चुका है हमें हमारा चाय, लेकिन मैं पीऊंगा आज देख लो क्या, ग्रीन टी। ये लवली ले ली है जिंजर टी, वैसे कार्डमम टी, जिंजर टी, कॉफ़ी, ग्रीन टी, बहुत सारा ऑप्शन था। और साथ में हाँ देख लो यहाँ पे गुड डे का बिस्किट भी है, ये भी ऑरेंज कलर का पैकेट है। वाह भाई वाह। सर्विस अभी तक कैसा लग रहा है तुमको? पहले पानी, फिर चाय, और चाय में ऑप्शन वैरायटी है। वैसे ये जो तेजस एक्सप्रेस है ना, टोटल 11 चेयर का और 2 एग्जीक्यूटिव क्लास के साथ चलती है। और लखनऊ से निकलने के बाद इसका जो अगला स्टॉप है कानपुर है, लगभग 72 किलोमीटर बाद, वो भी ये 72 किलोमीटर हम लोग कम्प्लीट करेंगे 1:10 में। लखनऊ से कानपुर के बीच में टोटल 12 इंटरमीडिएट स्टेशन है। बहुत हो गया ज्ञान का बात, पानी आएगा उसके बाद चाय पीते हैं। ट्रेन निकलते ही देख लो अपने अच्छे स्पीड में आ चुका, यहाँ एंजॉय कर रहे हैं हम दोनों अपना चाय। ट्रेन का साफ सफाई का तो कुछ कहना नहीं है, सब कुछ बहुत बढ़िया।
पहुंच चुके हैं हम लोग कानपुर सेंट्रल, वो भी 5 मिनट डिले हमारा ट्रेन पहुंचा है यहाँ पे। वैसे इस ट्रेन का यहाँ पे 5 मिनट का हॉल्ट है और हमारा जो ब्रेकफास्ट है ना यहीं पे बोर्ड होगा। फाइनली अभी हम लोग पहुंच चुके हैं कानपुर सेंट्रल। जैसे कि मैंने बताया आपको यहाँ पे ट्रेन हमारा आया है 5 मिनट लेट, बट अभी मैंने चेक किया तो पता चला ट्रेन हमारा 7 मिनट डिले है यहाँ पे। यहाँ पे इस तेजस एक्सप्रेस का 5 मिनट का हॉल्ट है भाई। ट्रेन पूरा पैक्ड है, पूरा पैक्ड है ट्रेन। यहाँ भीड़ आपको नहीं दिख रहा होगा लेकिन आगे की तरफ पूरा पैक्ड है ट्रेन। अच्छा है भाई, अभी भी ऐसा बढ़िया सर्विस देख कर बहुत अच्छा लगा मेरे को। अभी तक तो सर्विस काफी कमाल का लगा है। बाकी आगे का ब्रेकफास्ट वगैरह कैसा रहता है सब कुछ मैं दिखाऊंगा आपको। तो अपना ट्रेन निकल चुका है, अब जो इसका नेक्स्ट स्टॉप है ना वो है गाजियाबाद, जो कि लगभग 11 बजे के करीब आएगा। काफी टाइम है अभी, इस बीच में हमें अपना ब्रेकफास्ट भी मिल जाएगा, वो दिखाते हैं आपको। अभी हमें ब्रेकफास्ट तो सर्व कर दिया गया है। अरे क्या हुआ, ट्रेन इतना हिल क्यों हो रहा है? पता नहीं क्या रीजन है, ट्रेन बहुत ज्यादा हिल रहा है। वैसे देख लो ये हमें ब्रेकफास्ट सर्व किया गया है सबसे पहले, अभी और भी बहुत कुछ आना बाकी है। सबसे पहले देख लो कॉर्नफ्लेक्स है, पास अमूल बटर केचप, ब्रेड, ये एप्पल जूस, और मेरे को लग रहा है मुझे ये वापस करना पड़ेगा क्योंकि मुझे अभी कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा है। और साथ में देख लो हैंड सैनिटाइजर भी है। ऑमलेट आएगा तो ऑमलेट खा लूँगा मैं, अदरवाइज अभी कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है। और हाँ, अभी ये मिला है हमें ब्रेकफास्ट में। टाइम देख लो अभी 8:13 हो रहा है, लगभग 8 बजे आ गया था ब्रेकफास्ट, 8 बजे आ गया था, लेकिन मैं थोड़ा लेट दिखा रहा हूँ। लेकिन ट्रेन बहुत हिल रहा है, बहुत ज़्यादा हिल रहा है। तो देखो और इसके बाद क्या क्या आता है वो भी दिखाता हूँ मैं। ऑलराइट, तो अभी टाइम देख लो कितना हो रहा है, 8:34, और ये वापस से आ चुका है अपना ब्रेकफास्ट। और भाई ये ट्रेन क्यों इतना हिल रहा है, क्या हो रहा है, मतलब ऐसे हो रहा है। और भाई ब्रेकफास्ट का इतना सारा ऑप्शन मैंने कभी किसी ट्रेन में नहीं देखा। नॉनवेज में बस एक ही ऑप्शन था ऑमलेट, बट वेज में कटलेट, उपमा, पराठा, पोहा, वड़ा, भाई मतलब ऑप्शन ही ऑप्शन है। तो मैंने अपने लिए उपमा, वड़ा और चटनी मंगाया है, साथ में मिष्टी दोई। नॉनवेज में ये एक ऑमलेट है, साथ में कटलेट। ऑमलेट देखकर बढ़िया लग रहा है, इनका कटलेट भी बहुत अच्छा होता है खाना। मैंने अपने ब्रेकफास्ट में ये लिया है, वड़ा है, उपमा है, साथ में ये चटनी है। ये भी टेस्ट करते हैं, बताते हैं कैसा है, देखकर बहुत बढ़िया लग रहा है। हाँ जी, तो मैंने अभी इनका ये उपमा ट्राई किया। भाई क्या उपमा है यार, ट्रेन में इतना बढ़िया उपमा, वाकई में बहुत अच्छा लगा। और कटलेट कैसा था? लवली कटलेट ट्राई की बता रही है ठीक ठाक सा है। देख लो मेरा उपमा, मैंने बोला ना अच्छा है, छीन ली मेरे से। उपमा वाकई में बहुत अच्छा है। हाँ जी, तो वो मेरा उपमा लेकर देख लो पूरा सफर चट कर दी। अभी मैं ऑमलेट ट्राई कर रहा था। अभी आप बोलोगे ऑमलेट तो ऑमलेट जैसे ही टेस्ट करेगा ना, लेकिन नहीं, मैं बता रहा हूँ बढ़िया होटल सब में मसाला ऑमलेट मिलता है ना, एग्जैक्टली वैसा ही टेस्ट है इसका। मजा आ रहा ऑमलेट खा के। मेरा मन था सैंडविच बनाने का, मोहित स्पेशल सैंडविच, बट मेरे को ये ज़्यादा मज़ा आ रहा है, ऐसे ही खाने में ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो आज नहीं बनाते सैंडविच, देखेंगे अगर हो सके तो कटलेट से बना देंगे। वैसे तो मैंने ये वड़ा लिया था, लेकिन देख लो बहुत ज़्यादा ऑयली है, इसलिए मैं नहीं खा रहा हूँ अभी इसको। उपमा एक नंबर, ओ भाई उपमा इनका एक नंबर था। अभी मैंने अलग से देख लो ये पोहा मंगवा लिया है। मैं बता रहा हूँ ना, इतना ब्रेकफास्ट का ऑप्शन मैंने कभी किसी ट्रेन में नहीं देखा। हाँ जी, तो जो भी बोलो ब्रेकफास्ट इनका काफी कमाल का था। ब्रेकफास्ट करने के बाद ही मैं अभी आ गया हूँ इनके वॉशरूम में। तो ये देख लो, ये तेजस के एग्जीक्यूटिव क्लास का वॉशरूम है। ठीक है, थोड़ा पुराना सा हो गया है लेकिन बढ़िया है, साफ सफाई तो मेंटेन है ही, ऐसा बात नहीं है। यहाँ सामने में मिरर, टैप में पानी है, थोड़ा थोड़ा है, लिक्विड वगैरह भी मिल जाएगा। अब ये ट्रेन में लिक्विड वगैरह नहीं रहेगा तो भाई क्या रहेगा। तो ये देख लो जी, ट्रेन इतना हिल रहा है ना, पूरा खाना नीचे गिर गया। चलो भाई, सब कुछ अच्छे से साफ हो गया है, इसके पैर में पानी वगैरह भी गिर गया था। और देख लो, ब्रेकफास्ट कंप्लीट करने के बाद वापस से चाय आ चुका है। एक्चुअली आपको याद होगा कुछ दिन पहले हम लोगों ने भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन किया था ना, जो कुछ स्टाफ है खाना सर्व करने वाले उसी ट्रेन के, तो मैक्सिमम लोग हमें जानते हैं। भाई अभी चाय लेकर आए हैं ना, तो वो बोले कि सर ये चाय मत पियो, बढ़िया आपके लिए बना कर लेकर आते हैं। मैं बोला एक काम करो, मेरे को ब्लैक टी दे दो, इसको बढ़िया चाय पिला दो। जो ही बोलो, भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन मेरे लिए बहुत बढ़िया था, उसी में मेरा 1 मिलियन कंप्लीट हुआ। चलो, इसका चाय भी आ चुका है और अपना ये ब्लैक टी। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है। ट्रेन का स्पीड देख लो भाई साहब, मैक्स देख लो 142 तक गया है, इसीलिए मेरे को लग रहा था ट्रेन इतना हिल रहा था। मेरे को लग रहा है जो कोच है ना, इसको शायद रिपेयर का जरूरत है,
नहीं तो इतना हिलता नहीं है। देख लो मैक्स शायद मैं दिखा नहीं पाया आपको, मैक्स 142 तक गया है ये। वैसे कानपुर से निकले हुए हमें तो लगभग 1.5 से 2 घंटा हो गया है, और कानपुर से गाजियाबाद के बीच ना टोटल 60 इंटरमीडिएट स्टेशन है, ट्रेन जबरदस्त भाग रहा है। मैं बता रहा हूँ इसका जो सर्विस है ना वंदे भारत से भी 2 टाइम ज्यादा बेटर लगा मेरे को। और अभी देख लो मस्त म्यूजिक वगैरह भी बज रहा है, स्पीकर वगैरह भी लगाया गया है, ये पहले नहीं था। देख लो इधर स्पीकर है, उधर भी काफी सारे स्पीकर लगाए गए हैं, तो हाँ मस्त म्यूजिक वगैरह भी चल रहा है अंदर में। तो बस थोड़ी देर में हम लोग गाजियाबाद पहुंचने वाले हैं, और ट्रेन देख लो अपना नो डिले, लाइक और 7 किलोमीटर रह गया है यहाँ से। 11:45 का टाइम है पहुंचने का गाजियाबाद, बट अभी टाइम देख लो 11:30 भी नहीं बजा है, और रह गया है बस 7 किलोमीटर। अभी भी ये ट्रेन टाइम पे चल रहा है भाई, ये चीज मतलब मैटर करता है ना, बहुत मैटर करता है। फाइनली हम लोग गाजियाबाद पहुंच चुके हैं, वो भी लगभग 6 मिनट बिफोर। तो ब्रेकफास्ट के बाद, तो उसके बाद अभी कुछ ऐसा सर्व नहीं किया गया है, बस एक बार चाय पूछा गया था। और ये देख लो गाजियाबाद से हमारा ट्रेन निकल चुका है, अब इसके बाद जो इसका नेक्स्ट स्टॉप है वो है न्यू दिल्ली, और बस यहाँ से 24 किलोमीटर का जर्नी रह गया है। ये देख लो गाजियाबाद जंक्शन, और गाजियाबाद से न्यू दिल्ली के बीच में टोटल 7 इंटरमीडिएट स्टेशन है। ये हमको लग रहा है बिफोर टाइम ही पहुंचाया, क्योंकि गाजियाबाद में हम लोग बिफोर टाइम पहुंचे थे। अभी तिलक ब्रिज हम लोग क्रॉस कर रहे हैं, बस दिल्ली पहुंचने ही वाले हैं भाई। ट्रेन लेट कर दिया, बहुत लेट कर दिया, कहाँ 12:25 में टाइम था पहुंचने का, 12:43 अभी यही हो गया, ट्रेन रुक रुक के जा रहा है। और सामने में देख लो मुझे तेजस का रेक दिख रहा है, बट एक चीज देखो वंदे भारत एक्सप्रेस का बोर्ड लगा हुआ है, वो भी वैष्णो देवी वाला। भाई आप सोच सकते हो ये जो ट्रेन है ना तिलक नगर तक बिफोर टाइम आया है, और तिलक नगर के बाद ये ट्रेन हो गया है ऑलमोस्ट 1 घंटे डिले, 1:06 हो गया, 12:25 में पहुंचने का टाइम था, पहुंचते पहुंचते 1:30 बज जाएगा। भाई बैक टू बैक ट्रेन पास करवाया जा रहा है, बट इसको यहीं पे खड़ा कर दिया है, अभी ये ट्रेन को पास करवा रहा है दरभंगा न्यू दिल्ली। भाई क्या हो गया तेजस को, लो जी फाइनली 1 घंटे लेट हम पहुंच चुके हैं न्यू दिल्ली, अभी भी स्टेशन में एंटर नहीं किया वैसे। अपना 1 घंटे से भी ज्यादा लेट है। देख लो जी स्टेशन के बाहर आ गए हम लोग, बस होटल अपना पास में ही है यहाँ से, वॉकिंग डिस्टेंस में भाई जाते हैं। ट्रेन बहुत लेट हो गया है, अभी मेरा एडिटिंग भी नहीं हुआ है, मैं सोचा तेजस है टाइम पे पहुंचा देगा, फटाफट एडिट करके शाम को वीडियो दे दूंगा, लेकिन नहीं हो पाया। हाँ जी, तो अभी जस्ट मैं रूम में चेक इन किया हूँ, होटल मैंने ऑलरेडी बुक करके रखा हुआ था, नहीं तो क्या होता है ना कभी कभी पहाड़गंज में जल्दी रूम मिलता नहीं, और पहाड़गंज में ना रूम अगर आप लेते हो तो थोड़ा सोच समझ के लेना, पैसे बचाने के चक्कर में ऐसे वैसे होटल में ना चले जाना ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम हो जाए। वैसे तो ट्रेन बहुत बढ़िया था, सर्विस भी बहुत अच्छा था, खाना भी बहुत अच्छा मिला था हमें, लेकिन लास्ट में 1 घंटा पता नहीं क्यों इतना डिले हो गया ट्रेन अचानक से। मतलब आप समझ रहे हो तिलक नगर तक हम लोग एकदम अच्छे से आए, उसके बाद शिवाजी ब्रिज, फिर दिल्ली आने आने में 1 घंटा लग गया। अब अगर मैं बात करूँ टिकट फेयर का ना, तो मैंने बुक किया था अपना टिकट एग्जीक्यूटिव क्लास में, और उसके लिए मैंने पे किया था 4,600 रुपए के आसपास, वही समझ लो पर टिकट 2300 रुपए के आसपास लगा। मैं बता रहा हूँ जिस टाइप का सर्विस था ना मजा आ गया। एक चीज था कि ब्रेकफास्ट के बाद ना काफी लंबा गैप हो गया, कुछ आया ही नहीं, लाइक कुछ भी ऐसा एक ड्रिंक वगैरह भी सर्व कर सकते थे, जूस वगैरह भी दे सकते थे, चाय पूछ रहे थे वो, ऐसा बात नहीं है, चाय वो 2-3 बार पूछने के लिए आए, बट हाँ एक ड्रिंक, क्योंकि ना ब्रेकफास्ट के बाद काफी लंबा गया, उसके बाद कुछ मिलता ही नहीं है आपको। बाकी सर्विस नो डाउट बहुत अच्छा था। फिलहाल अभी रूम में तो पहुंच गए, होप कि आप लोगों को ये तेजस एक्सप्रेस का वीडियो अच्छा लगा हो। मैं इस पे बहुत दिनों बाद ट्रैवल किया, और मैं बता रहा हूँ सर्विस अभी भी वैसे ही है, थोड़ा लेट हो गया। अब देखो लेट तो ये हर दिन ऐसा होता नहीं है, अगर होता है तो कमेंट सेक्शन में बता देना अगर आप ट्रैवल करते हो इससे फ्रीक्वेंटली। तो फिलहाल मेरे को तो ट्रेन का सर्विस वगैरह साफ सफाई सब कुछ काफी अच्छा लगा, इतने दिनों बाद मैं ट्रैवल कर रहा था, मेरे को लगा हालत खस्ता हो गया होगा ट्रेन का, सर्विस वगैरह सब जीरो हो गया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत अच्छा हो गया। इनफैक्ट मैंने देखा सर्विस और इम्प्रूव हो गया। तो चलो ये वीडियो को आप ज्यादा लंबा नहीं करते, अगर यहाँ तक वीडियो देख ले तो वीडियो को लाइक कर देना, और अभी तक इस फैमिली से नहीं जुड़े हो ये जो नीचे सब्सक्राइब बटन है इसको क्लिक करके बन जाना इस फैमिली का हिस्सा। चलो मिलते अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए। Yeah.